चंद के ज़िले दादू से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल मजीद लगारी ने ब्राज़ील में 14,000 फिट से छलांग लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। नौजवान अब्दुल मजीद और शायान लगारी ने हाथ में सिंधी सकाफत अजरक उठाकर जहाज से छलांग लगाई, जिससे सोशल मीडिया पर नौजवान के चर्चे हो गए और वीडियो तस्वीर वायरल हो गई। शायान लगारी ने कुछ माह कबल दुबई में भी 12,000 फिट ऊंचाई से छलांग लगाई थी। अब्दुल मजीद उर्फ शायान लगारी ने बताया कि हाथों में सिंधी अजरक उठाकर फ्लैग जंप इसलिए किया था कि स्काई ड्राइव से सिंधी कल्चर को उजागर करना था। मेरा ख्वाब है कि मैं पूरी दुनिया में सिंधी कल्चर को प्रमोट करूं। अब्दुल मजीद लगारी ने मजीद बताया कि जिंदा कौमें कभी भी अपनी सकाफत भूला नहीं करती, जो ऐसा करती हैं वो तारीख से मिट जाती हैं। अब्दुल मजीद लगारी दादू की तहसील जोही का रहायशी है, अब काम के सिलसिले में दुबई में मुकीम है। अब्दुल मजीद पैराग्लाइडर हैं, ताहम अजरक के साथ फ्लैग जंप आसान ना था। अब्दुल मजीद लगारी ने ब्राज़ील फेडरेशन ऑफ पैराशूट से खसूसी इजाज़त ली। अब्दुल मजीद लगारी ना सिर्फ ब्राज़ील फेडरेशन ऑफ पैराशूट बल्कि अमेरिका पैराशूट एसोसिएशन की जानब से लाइसेंस शुदा नौजवान हैं। दूसरी जानब सिंध के अक्सर नौजवानों ने सोशल मीडिया पर बताया कि नौजवान अब्दुल मजीद और शायान लगारी ने सिंध की सकाफत अजरक के साथ 14,000 फिट बुलंदी से जंप लगाकर सिंधी कल्चर को उजागर किया है, जिससे हमें बहुत खुशी हुई है।